हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, हेलो द वीडियो। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस, आज का प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि हमने जाना है आज तार लेने, क्योंकि हमें अपना घर छाना है। तो वो लेने हम जाएंगे आज लिंगड़िया, और वहाँ हमने चार बुक कर रखे हैं जो हमने पहले उनको कह दिया था। और सभी गाँव वाले जाएंगे, क्योंकि कुछ भी सामान आना होता है तो सारे गाँव वाले साथ में, क्योंकि पहाड़ों में ऐसे होता है, गाँव में सब साथ में मदद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है दिहाड़ी वाड़ी का सीन। इसलिए सब लोग रेडी हैं और सबको मैंने बुला दिया। 3 बजे का प्रोग्राम था हमारा, तो चल रहे हैं। आधे लोग रोड में पहुंच चुके हैं और हम भी जाएंगे अभी। तो जो इसकी छत है गाइस, तो इसके जो अंदर से लकड़ियां हैं वो उस पर दीमक लग चुका है। ये यहाँ पर से जो हो चुका है, थोड़ा खराब हो चुका है, दीमक लग चुका है यहाँ पे, और ये भी लग चुका है। तो हमें ये वाले लेने जाना है, ये जो लंबे वाले हैं। तो हमने चार, तो हमने अपनी मर्जी से, मतलब देख के खराब हो सकते हैं, तो चार तो हम ऐसे लेके आएंगे। बाकी के देखते हैं, जो बाद में ख़राब होंगे तो हम और चेक कर लेंगे और ले आएंगे वहाँ से। पहले हमने बोल रखा उनको, तो चलते हैं। तो गाइस, स्योत, ये जो स्योत है उसके अंदर से दाम निकाला जाता है, और ये जो छोटे छोटे ये हैं दाम, और इनको खाते हैं इनके अंदर से निकाल के। और ये बादाम, बादाम, बादाम जैसे होते हैं बिल्कुल सेम, बादाम नहीं होंगे। और ये जो स्योत है, ये फाड़ के पहले ये ऐसा था, कुछ ऐसे थे, और उसके बाद अभी ऐसे हो गए हैं, और इनके अंदर से निकले हैं ये पहाड़ी स्वैग जिसे कहते हैं। तो ब्लॉग हमारा आज भी शुरू हो रहा है मनोजदा के साथ, और मनोजदा जा रहे हैं हमारे साथ। तो गाइस, ये नींबू का पेड़, और इस पे हो रहे हैं अभी नींबू, और ये नींबू हमने अभी तोड़ा जो चूहे ने खा लिया है। चूहे पेड़ में तक चढ़ जाते हैं यहाँ नींबू के पेड़ में, और यहाँ से खा लिया है इन्होंने नींबू जो हमने भी तोड़ा। तो गाइस, सामने अपना घर दिख रहा है, और जो पीछे उसके जो तिरपाल ओढ़ रखा है वो वहीं से ज़्यादा दिक्कत आ गई है। वहाँ से जो पत्थर हैं, जो ऊपर के छत के पत्थर हैं, वो बैठ चुके हैं, और वहाँ से पानी भर जा रहा है बारिश में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसलिए गाइस, हमने सोचा कि फाइनली हम उसे सही करवा ही दें। तो फाइनली गाइस, हम पहुँचे रोड में, और वहाँ से आ रही है हमारी चाची जी, जो हम नौ लोग जा रहे हैं। जो तो चाची आ रहे हैं, और राकेश भाई दूसरे, मनोज भाई तीसरे, चौथे हम खुद, और बाकी के लोग अभी आ ही रहे हैं, उनका कर रहे हैं हम इंतज़ार। तो नीचे से आ रही हैं मम्मी और आमा जी, प्रधान जी हमारी, तो दो जने ये हैं। तो गाइस, अभी हम पहुंचे हैं मजाड़ू गैर में, और ये जो है बसपीड़ा का सबसे टॉप का घर है। यहाँ बहुत ही अकेले सुनसान में घर है, यहाँ आसपास बाकी कोई घर नहीं है। बाकी वो रहा हमारा गांव पहाड़ पानी, और ये आ रहे हैं अपने जवान जो आज दार लेके आएंगे, और सरसों के खेत में यहाँ ताई जी निकाल ली हैं सरसों। अभी हम पहुँचे मजाड़ू गैर में, और यहाँ बेहतरीन सा ताई जी प्रणाम हो, एक गाड़ी में तुम्हारा अच्छा अच्छा दैन का खेत चिपाड़ते हुए सभी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं पीछे वहां को। ये देखो, कुछ नहीं देख रहे नीचे, चिपाड़ते जा रहे हैं, चिपाड़ते जा रहे हैं। तो फाइनली गाइस, रेडी होके हम सभी निकले हैं, और आज शाम का प्रोग्राम ही है। फिर हमें उसके बाद मिट्टी लेने भी जानी है, जो ऊपर से दार के ऊपर से रखे जाएंगे, कुल जो दार के ऊपर से रखे जाएंगे वो हमने कल फाड़ दिए थे, भाकर जिन्हें कहते हैं, और मिट्टी लेने जाएंगे शाम को। अभी हम दार लेने जा रहे हैं दार, और दार के ऊपर से भाकड़ और उसके ऊपर से मिट्टी रखी जाएगी, फिर इस तरीके से बनाया जाएगा परफेक्ट। और अभी जा रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे हम लेके आएंगे उन्हें, दो दो आदमी, एक को चार हमने बुक करा रखे हैं, और वो लेके आने। और वहाँ हमारी मम्मी, आमा और चाची जो आए हैं, वो लोग वहाँ चाय पीने बैठ गए हैं, क्योंकि आपको पता ही है लेडीज पार्टी, जहाँ पे उनको चाय मिल जाती है वहाँ पे बैठ जाते हैं। और लड़के हमारे चल रहे हैं साथ में, भाई लोग अपने। तो गाइस, यहाँ गायें ऐसे पहाड़ों पे बहुत ही भयंकर भयंकर जगहों पे ये गायें चरने आती हैं, और वो हमारा टॉमी टाइगर पहले यहाँ पहुँच चुका है और कर रहे हैं इन्हें परेशान। और ये देखिए, ये भी नए नए बैल हैं, बच्चे हैं, ये अभी तैयार किए जा रहे हैं हल के लिए। ये भाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल खेतों में, टॉमी जा रहा है सबसे आगे से। तो गाइज, ये आ रहे हैं
अपने भाई लोग हालत खराब हो चुकी है चढ़ाई में, सांस आ रही है बहुत ज्यादा और वो आ रहे हैं नीचे से चाय वाय पी के। बूबू जी और टॉमी हमारे बहुत ही आगे निकल चुके हैं, सबसे आगे आगे जा रहे हैं। टॉमी को दिख चुकी हैं बकरियां कुछ, और टॉमी को है बकरियों से बहुत ज्यादा प्यार, तो वो बकरियों से मिलने जा रहा है। टॉमी आ जाओ बेटे आ जाओ। तो टॉमी आ चुका है, उससे हमने नहीं मिलने दिया बकरियों से, क्योंकि मिलता कम और लड़ता ज्यादा है बकरियों से। सारी बकरियां इसे देख के चौंक गई हैं। जहाँ आप वहाँ चट्टान पे देख सकते हो गाय कैसे इतनी दूर जाके चट्टान पे हैं और बहुत ज्यादा सांस फूल लिया चढ़ाई चढ़ने में। सामने अपना गांव, और अब हम सबसे टॉप के ढहिए में, इससे ऊपर ऐसे ये वाला ढहिया है लेकिन यहाँ हमें जाना नहीं है। और सीध सामने हमारा ये गांव है, ठीक इसके पीछे हमारा चक्कर गांव और कल्याण खाल बगोली वगैरह बिल्कुल सामने सामने। एक ढहिया पार करते ही हमें ये सब दिख जाता है, और अब हमें सीधे सीधे जाना है जंगल बाई जंगल, इधर से सीधे बिल्कुल। और मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, वाह बादल देखिए गाइस क्या सुंदर से लग रहे हैं, धूप आ रही है बहुत ही सुंदर, और फुल मजे लेते हुए मनोज भाई हम सब लोग जा रहे हैं। नीचे मंदिर है, और पहाड़ों में ये मंदिर आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, ये मंदिर यहाँ पे। और गाइस बहुत ही मस्त हवा चल रही है, बहुत ही मजा आ रहा है। यहाँ पे हम पियेंगे पानी, यहाँ पे पानी की प्यास लग चुकी है आमा जी को। आमा जी पानी की प्यास लग गई। और यहाँ पे बहुत ही मिनरल वाटर जो है, नेचुरल मिनरल वाटर, इन बेचारों को लगी है पानी की प्यास, और गरीब बेचारे इन्हें पानी नहीं मिला तो यहाँ पे हम इन्हें पानी पिला रहे हैं। पी लो पी लो और पी लो, पानी की तलाश में भूखे चेहरे प्यासे चेहरे। टॉमी तो गाइस ये बोतल हमें मिली यहाँ पे, और इस बोतल में हमने भरा है पानी जो कि बिल्कुल नेचुरल मिनरल वाटर है, और बूबू जी हमारा वेट कर रहे हैं वहाँ पे, तो हम इनके लिए हमें पानी लेके जा रहे हैं। तो ये है अपना बंगाल स्टैंड का ग्राउंड, ये बाउंड्री लगी हुई है पूरे चारों तरफ, और यहाँ पे होते हैं टूर्नामेंट, बड़े से बड़े टूर्नामेंट यहाँ पे होते हैं, लगभग 50,000 तक के टूर्नामेंट यहाँ पे हो जाते हैं लगभग। और यहाँ पे बेहतरीन जगह है क्रिकेट खेलने के लिए। ये यहाँ से है, यहाँ से पीछे को बेहतरीन ग्राउंड पिच यहाँ पे, और पीछे इसके ढैया है इसलिए वहाँ बॉल अक्सर नीचे खो जाती है। तो फाइनली हम पहुँचने वाले हैं लिंगड़िया, जहाँ पे हमें जाना है। लिंगड़िया ठीक इसके पीछे है, लड़के जा रहे हैं दोनों साथ में। गाइज अभी हम आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाने वाले हैं, जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा, जिसने देखा है वो कमेंट करके बताएं, और जिसने नहीं भी देखा वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। ये जो पत्थर का ढैया है, ढेर है, इसमें एक पत्थर ज़रूर फेंकना होता है जो भी यहाँ पर से इधर उधर जाता है, क्योंकि यहाँ पर चौराहा है और हमने एक पत्थर फेंक दिया। तो इसकी मान्यता है कि मतलब वो पत्थर फेंकना यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है पुराने ज़माने के लोगों के हिसाब से, इसलिए सभी लोग यहाँ पे पत्थर फेंक के जमा करते हैं। ये चौराहा है, इधर को भी रास्ता है, एक रास्ता इधर को जिससे हम आए, और एक ही ऊपर जो वहाँ से लोग आ रहे हैं इस रास्ते से, और चौथा रास्ता जो है ये जिससे हमें अभी नीचे जाना है। तो इस तरीके से इसकी बहुत मान्यता है, इसलिए यहाँ हर कोई जो भी आता है हर बार एक एक पत्थर फेंक के जरूर जाता है। तो एक भोटिया का ये भी है, भोटिया नस्ल का पूरा, ये मेरे बगल में बिल्कुल बैठ चुका है। टॉमी देखिए इधर बैठे, इधर देखो कालू कालू इधर, और ये यहाँ पे बैठ चुका है, और टॉमी ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं लेकिन अभी शांत है। तो गाइस इस तरीके से लिया जा रहे हैं दार वहाँ आगे, दो दो लोग एक दार लेके जा रहे हैं क्योंकि काफी भारी हैं, और मैं और बुब जी लेके जा रहे हैं एक क्योंकि भारी बहुत हैं। तो गाइस बहुत स्ट्रगल है गांव में, क्योंकि देख लीजिए आप कैसे संभल संभल के जाना पड़ता है यहाँ से, और भारी भी काफी है ये दार। और काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है यहाँ पे, और अभी पूरा नीचे तक जाना है। टॉमे टॉमे एक लेके जा रहे हैं मैं और बूबू जी,
हमारे प्रिय बहू जी, इसको हमने लेके जाना है एक को। ये है एक अपना। तो गाइस हमारे लिए बहुत ही मुश्किल टास्क ये है जहाँ से हम जा रहे हैं अभी लेके। बहुत ही रिस्क, अगर फिसल सकते हैं नीचे को। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं रोड पे, और बहुत ही हार्ड जो हमारा वो था वहां से जो आ रहे थे हम, और ये आ रहे हैं यहाँ पे। चाची थक गए आप? चाची चाची थक गए चाची? और हम सबसे पहले आ गए, ये हमसे आगे थे, फिर भी हम इनसे पहले आ चुके हैं। यहाँ पे बैठे हुए ये बालक, यहाँ पे क्रिकेट का मैच चल रहा है, टूर्नामेंट बुबजी खेलेंगे यहाँ पे एक बॉल, और यहाँ पे चल रहा है टूर्नामेंट बहुत ही बेहतरीन वाला, और बॉल हमने पकड़ ली है, बॉल डाल दी व्हाइट गधू ने, ले नेक्स्ट बॉल, और ये डालते हुए गधू, ओ बेहतरीन सिक्स, बहुत ही लंबा हिट बुबजी ने मारा वहां पे, बेहतरीन छक्का। बालक यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सारे अभी तक चल रहा था इनका टूर्नामेंट गर्ल्स और बॉयज में, गर्ल्स वर्सेस बॉयज। कुट करके बिल्कुल ही आउट होते हुए बुबजी, बाउंड्री से बाहर बॉल जाते हुए। यहाँ नियम यह है कि रोड से बाहर जाते हैं आउट, और बॉल जा चुके नीचे। नियम कैसे हैं? नियम क्या है यहाँ के बालक? ए नियम क्या है यहाँ के? नियम है गोलू? नियम बता, नियम। छक्का कोक, छक्का कोक, छक्का कोक, छक्का कोक, तो क्या बताती थी? छक्का कोक बता, बता छक्का कोक, और आउट कोकी ये भाई। अच्छा ये भाई बेइज्जती कर दी इन्होंने तो, बहुत ही बुरी वाली। नहीं तिराखी कोक, तिराखी तिराखी, इसका नाम लाली, लाली लाली, तो बता छक्का कोक मार, वहाँ ऊपर छक्का है, छक्का लाली ने। हाँ बिल्कुल, लाल शर्ट पहनी है लाली, इसका नाम है। और ये गद्दू, ये टीम का कैप्टन, कैप्टन यूज, कैप्टन, कैप्टन यूज तुम्हारे है गद्दू? ना कैप्टन से तू? हाँ। अच्छा ये कैप्टन है, तो कौन कौन है तुम्हारी टीम, कौन कौन सी है? मियो बस, और वो तीन एक ना। अच्छा। गाइस गोलू खेल रहा अभी, गोलू और गद्दू कर रहा है कीपिंग, बेहतरीन शॉट गोलू ने मारा, भाज गोलू भाज। तो बैट और गोलू का टक्कर है, बिल्कुल बराबर, दोनों का साइज सेम है, फिर भी गोलू ने मारा शॉट, और नेक्स्ट ओ बच्चे आउट, आउट आउट भाई, आउट 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 हो गया, आउट हो गया, आउट आउट। नेक्स्ट बंदा आया है अज्जू, अज्जू खेलेगा, गद्दू कैच, ओए होए कैच छोड़ दिया गद्दू ने, बेहतरीन, ओ बच्चे लाली ने करा कैच, मजा आ गया, बेहतरीन, वेरी गुड लाली। आजकल की लड़कियां भी किसी लड़कों से कम नहीं है, बहुत ही बेहतरीन कैच करा लाली ने। लाली यहाँ आपने कैच करा, कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो फाइनली गाइस दार हम रख के चले गए घर, और तो गाइस मेरा हो चुका है बहुत ज्यादा, और अभी तक हम वहाँ पहुँचे नहीं जहाँ से हमें लेनी है मिट्टी, काफी दूर है यहाँ से, ट्रैक्टर लेके हम गए हैं, ज्यादा तो है नहीं मिट्टी, फिर भी हमने और अभी लेके आएंगे वहाँ से, देखते हैं कितना होता है वहाँ से।